छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने बयान दिया है, 90 सीटों पर चर्चा की गई है और कांग्रेस नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। सीईसी की बैठक के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट की जाएगी, यानी कि तैयारी स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से पूरी कर ली गई है, इसे माना जा सकता है उनके इस बयान से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब सीईसी की बैठक जल्द ही हो जाए। केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जल्द हो जाए, इसके लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे। और ज्यादातर सीटों पर आम सहमति बन गई है, उन्होंने ये भी कहा है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से और जनता के इंटरेस्ट में आपस में फैसले लिए गए हैं। सीईसी के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष जब समय देंगे तब बैठक कर ली जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो गया है, कुछ चीजों पर सीईसी फैसला करेगी। तो 90 सीटों पर चर्चा कर ली गई है छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से समिति जो है उसने तो मंथन कर ही लिया, लेकिन अब सीईसी की बैठक बीजेपी की भी हो रही है दिल्ली में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई और इसमें कहा गया, इस बैठक के समाप्ति के बाद अजय माकन की तरफ से कहा गया है कि 90 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, कई सीटों पर आम सहमति भी बन चुकी है, सीईसी की बैठक के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट कर ली जाएगी, यानी कि काम अपना स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरा कर लिया है। और उन्होंने कहा भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो चुका है और ज़रूर कुछ चीज़ों पर सीईसी को फैसला करना होगा और सीईसी की बैठक जल्द हो, ये इस बात के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। जब कांग्रेस अध्यक्ष जो परमिशन देंगे तब ये बातें हो जाएंगी। तो लिस्ट को लेकर काम कांग्रेस की तरफ से अब अंतिम मोड़ पर आ गया है। देते हैं कि छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में आए, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में जा रहे हैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सब इनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। पहले वोरा जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और माता जी तो उनसे बहुत करीबी भी थे और वो दायित्व तो इनको मिला है और हमारे हाई कमान ने इनको विश्वास दिया है, तो हम सब उनको बधाई देते हैं, शुभकामना। देखिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक में हमने 90 की 90 सीट्स के ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा करी और मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के नेतृत्व को, हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी और AICC के सेक्रेटरीज को कि इन्होंने बहुत। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक जो है इसके बाद कुमारी शैलजा की तरफ से बयान आया है, चुनाव से संबंधित बातों पर चर्चा की गई है। बैठक में आगे भी चुनाव की रणनीति बनाई गई है और भरोसे की यात्रा जो निकाली जानी है। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि शांति के दूत हमारे महात्मा गांधी का ये मैसेज है, शास्त्री जी जय जवान जय किसान का मैसेज दे चुके हैं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज दिया है, बीजेपी लोगों को बांटने का मैसेज फैला रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उन्होंने कहा है कि चुनाव हैं तो PM आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया है ये जनता भलीभांति जानती है, आखिर में आकर क्रेडिट लेने की बात की जा रही है। चुनाव है तो अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और जो बातें हैं आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और जनता भी सुन रही है, और जनता को मालूम है कि यहाँ पर किसने क्या दिया। 15 साल का इनका राज था और अब 5 साल में यहाँ पर हर एक वर्ग को खुशहाल किसने किया है, अब आखिर में आकर क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है। पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहले बात। तो आखिर में आकर क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह रही हैं कुमारी शैलजा। और युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो चल रही थी खत्म हो गई और इस बैठक के बाद दोनों नेताओं के बयान जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने हमारा काम पूरा कर लिया है, अब सीईसी की बैठक का इंतजार है, जैसी बैठक होगी मुहर लगना शुरू हो जाएगी, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना शुरू हो जाएगा। हालांकि वक्त है क्योंकि मुख्यमंत्री कल कह चुके पितृपक्ष चल रहा है। जी बिल्कुल अपुरित, आप सही कह रहे हैं, सभी को पितृपक्ष जाने का इंतजार है और यहाँ पे जो स्क्रूटनी करनी थी, जिन नामों पर तय होना था वो नाम तय कर लिए गए हैं। 90 सीटों पर जिस तरह से सहमति बनी, जब नेता सभी नेता मुख्यमंत्री हैं, अजय माकन हैं, कुमारी शैलजा हैं, जब बाहर आए तो साफ दिख रहा था कि कॉन्फिडेंस स्पष्ट झलक रहा है
और सूची जो है पितृपक्ष के बाद जारी हो सकती है, और इससे पहले भी सीएससी से रिक्वेस्ट किया जाएगा, जैसे भी अजय माकन ने कहा है कि रिक्वेस्ट किया जाएगा, जब बैठक होगी उसके बाद जो है नामों पर सहमति बन पाएगी। कुछ निर्णय लेने हैं जो सीएससी के अधिकार क्षेत्र में है, उनको निर्णय लेना है। और साथ ही साथ अभी जो कुमारी शैलजा है, छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है, उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर बीजेपी श्रेय लेने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक जो प्रमुख मुद्दा है पुनीत, तो उसको लेकर के कहा है कि बताएं कि बीजेपी कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ छत्तीसगढ़ से ज्यादा किसानों को देते हैं, तो ये सीधा सीधा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के एक बड़ा तंज उन्होंने कसा है। तो बिल्कुल तैयारी कह सकते हैं कि जवाब देने की कर ली गई है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अभी 30 तारीख को दौरा हुआ, फिर वापस 3 तारीख को आने वाले हैं, तो तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी। आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि केंद्र जो है वो मदद नहीं कर रहा है, धान नहीं खरीद रहा है, मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब देने की ठान ली है, और कुमारी शैलजा ने भी यही कहा है कि क्रेडिट लेने की राजनीति की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से। अब दर्शकों को बता देते हैं, 1 लाख रुपए का इनामी माओवादी गिरफ्तार किया गया है। CAF की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है, माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल सदस्य के साथ ही 4 और गिरफ्तार हुए हैं। इन पर कई सारे मामले दर्ज हैं, कई वारदातों को इन लोगों ने अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ में भी कई खुलासे हुए हैं। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये 1 लाख का इनामी माओवादी और 4 अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए। CAF ने ये बड़ी कार्रवाई की है। डीजे वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, नियम विरुद्ध डीजे बजाने के संबंध में कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर 5 वाहनों और डीजे संचालक को जब्त किया गया है। और कांग्रेस से खबर आपको बता रहे हैं, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, जिसकी हम आपको बता रहे थे। अभी पुलिस अधिकारी यही बात कह रहे थे कि डीजे साउंड सिस्टम के मालिकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 5 वाहनों को जब्त किया है। कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। बढ़ते आगे, बिलासपुर के बाद बारी अब प्रधानमंत्री मोदी के मिशन बस्तर की है, जिससे कि बीजेपी बस्तर की चुनावी फिजा